हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन की दुनिया में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर बार एक नई क्वेरी के साथ उसका सॉल्यूशन लेके आता हूं। तो एक मेरे क्लाइंट है, उनका एक सवाल है, उनका 100 गज का एक प्लॉट है, वो उसकी ढलाई कर रहे हैं, उसकी कास्टिंग करना है ग्राउंड फ्लोर की छत का। तो वो जानना चाहते हैं कि वो सीमेंट कितना मंगाए, सैंड कितना मंगाए और रोड़ी कितनी मंगाए। तो मैं आज आपको उसी का बताऊंगा कैसे, अगर आपकी छत चाहे वो 100 गज की हो चाहे 150 गज की हो, किस तरीके से बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और मैं इसको क्यूबिक फिट के तरीके से बताऊंगा, क्योंकि क्यूबिक मीटर में तो इंजीनियर्स बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन जो आम लोग हैं उनको क्यूबिक मीटर और एमएम चीजें समझ नहीं आती। तो इसमें क्यूबिक फिट में आपको निकाल के दिखाऊंगा, आपको उसी हिसाब से जो भी आपका प्लॉट साइज है आपको उसकी तरीके से इस आसान तरीके से आपको अपना माल मंगा लेना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपका प्लॉट 100 गज का है, ठीक है, तो उसका जनरली जो साइज होगा 20x45 होगा। आपका जो भी साइज है उस हिसाब से आप उसकी ड्राइंग बनाइए रफ पेपर पे, और जैसे मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप उस तरीके से आप कैलकुलेशन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं ऑन बोर्ड। तो अगर आपका 100 गज का प्लॉट है तो इसका मतलब क्या होगा, जनरल साइज जो होता है 100 गज का वो होता है 20x45 का। ठीक है, तो मैं जैसे मैं आपको दिखा पा रहा हूं, ये मेरा एक प्लॉट है, ठीक है, 20 फिट है और ये मेरा 45 फिट है। राइटिंग थोड़ी मेरी कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। ठीक है, ये 45 फीट इसकी गहराई है, 20 फीट इसका मत्था है, फ्रंट है। ठीक है, और अगर इसकी छत की हमें ढलाई करनी है तो 5 इंची की इसकी छत की थिकनेस होगी। तो हम ये मानते हैं कि इसकी 5 इंची की थिकनेस है छत की। ठीक है, ये इसकी 5 इंची हो गई। अब हमें इसका सबसे पहले अगर हमें निकालना है तो हम इस पर इस पूरी छत का वॉल्यूम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे, और वॉल्यूम हम क्यूबिक फिट में ही निकालेंगे। ठीक है, तो छत का पूरा एरिया जो देख पा रहे हैं वो 20x45 का, जिसका वॉल्यूम का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, 5वीं 6वीं क्लास की मैथ है ये। तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप, वॉल्यूम ऑफ स्लैब। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है L×B×H। ठीक है, तो हमारा 20 फिट हमारी उसकी 20 फिट × 45 फिट। ठीक है, और एच जो है, डेप्थ जो है उसकी 5 इंची है। 5 इंची का मतलब क्या हो गया, ये 0.41 फिट हो गया। ठीक है, 0.41 फिट, 5 इंची को हम 0.41 लिखते हैं और 6 इंची को 0.5 फिट लिखते हैं, किसी ध्यान रखिए खास तौर से। ठीक है, तो इसका जो हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ स्लैब आएगा वो हमारा आ जाएगा, शायद आपको दिख नहीं पा रहा होगा, थोड़ी छोटा है, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा। इसका जो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा स्लैब का वो आ जाएगा 393.6 क्यूबिक फिट। ठीक है, जैसे देखा आपने, ये हमने छत का वॉल्यूम निकाल दिया, छत में इतना माल आएगा, लेकिन जहां भी छत डलेगी वहां उसके साथ साथ बीम जरूर होगी। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारी, ठीक है, एक बीम हमारी ये हो गई, एक बीम हमारी एंड पे होगी, ठीक है, एक बीम हमारी यहां कहीं होगी, ये भी हमारी यहां कहीं होगी, 4 बीम हमारी होगी, और हो सकता है 1-2 बीम हमारी इस तरह से भी हो। ठीक है, 1-2 बीम हमारी इस तरीके से भी हो, 2 कमरे फ्रंट के होंगे तो 1 बीम यहां पे आ जाएगी। ठीक है, तो मोटा मोटा हम ये देख लेते हैं, 20 फीट की एक ये बीम आ गई, 20 फीट की एक ये बीम आ गई, 20 फीट की एक ये बीम आ गई, 20 फीट की ये बीम आ गई, तो 4 हमारी 20 फीट की आ गई। तो हम यहां पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ बीम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बीम हम देख रहे हैं, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ बीम निकालेंगे, इसमें भी कुछ नहीं, हम सारी लेंथ को एक ही बार जोड़ लेते हैं। तो 20 फीट की हमारी 4 बीम है, तो इसको हम लोग लिख देंगे 20 फीट प्लस 20 फीट प्लस 20 फीट। ठीक है, प्लस हमारी ये 45 फीट की गहराई थी प्लॉट की, इस 45 को जोड़ेंगे प्लस इस 45 को जोड़ेंगे, लेकिन इसमें हमें पता है जब हमारा 45 फीट की गहराई है, 3 फीट का हम छज्जा निकालेंगे, तो 45 प्लस 3 48, हमारा ये हो गया 48 फीट प्लस 48 फीट। ठीक है, और जैसा मैंने बताया एक एक्स्ट्रा बीम भी हॉरिजॉन्टल हो सकता है, डली हो, तो इसको मान लेते हैं कि 10 फीट की है और ये भी 10 फीट की है, तो 10 फीट ये जुड़ जाएगा प्लस 10 फीट। ठीक है, ये टोटल हमारी इसकी लेंथ आ गई है, इनटू इसकी हम जो बीम का साइज होगा, जल्दी जो बीम का साइज होगा 3-4 मंजिल के मकान में वो 14x9 इंची का होगा। ठीक है, 14x9 इंची, तो 14 यहां से यहां तक है, 5 इंच की छत निकल गई। ठीक है, तो हमारे पास बचा 9 इंच की चौड़ाई और 9 इंच की लटक, तो हमारा जो 9 इंच को हम लिखते हैं, जैसे मैंने बताया इंच को फिट में कन्वर्ट करते हैं तो उसका दूसरा नोमेनक्लेचर आ जाता है, तो 9 इंच को हम लिखते हैं 0.75 फिट × ये चौड़ाई होगी, उसकी गहराई जाएगी 0.75 फिट। ठीक है, ये हमारा
वॉल्यूम ऑफ बीम आ जाएगा। सारी लेंथ को एक साथ जोड़ देना है उसकी चौड़ाई से और उसकी गहराई से, उसको गुना कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ बीम आ जाएगा जो कि हमारा आएगा गुना कर देंगे तो सारी लेंथ को जोड़ेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 196 फिट इंटू 0.75 इंटू 0.75। सॉरी मेरी राइटिंग कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसको हम टोटल कर देंगे, इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 110.25 CFP, ठीक है। तो देखा आपने, हमने पहले वॉल्यूम ऑफ स्लैब निकाला जो कि 393.6 CFP आया, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ बीम निकाला जो कि ये आया। अब हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 503.85 आ जाएगा, ठीक है। इसको और इसको हम जब जोड़ देंगे तो हमारा 503.85 CFP आ जाएगा टोटल वॉल्यूम। उस छत पे ढलाई का माल जो आएगा वो इतना आएगा स्लैब और बीम का। लेकिन यहां पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट क्या है, ये जो हमारा माल आया है, ये जो हमारा माल आया है, ये हमारा वेट वॉल्यूम आया है। ये इंजीनियरिंग लैंग्वेज शायद आपको समझना है, यहां पे थोड़ा सा बस आपको एक चीज फिगर याद करनी है। ये हमारा माल आया है पानी के साथ का, ठीक है। आपने देखा होगा जब कहीं पे हम मिट्टी डालते हैं और अगर उसके ऊपर पानी डालते हैं तो क्या होता है, वहां की मिट्टी बैठ जाती है, मतलब वहां का वॉल्यूम कम हो जाता है। तो उसी तरह इस छत में, इस क्वांटिटी में भी वही होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो माल है हमें ड्राई वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। हम निकालेंगे कि अगर हमें सूखा माल मंगाना है तो कितना होगा, तो सूखे माल के लिए ये माना जाता है कि इसका हम डेढ़ गुना कर देंगे, 1.5 कर देंगे, तो हमें इतना माल सूखा मंगाना है। ये मानते हैं कि हम 36-37% माल जो है पानी की वजह से श्रिंक हो जाता है। यहाँ पे आपको छोटी सी चीज ध्यान में रखनी है, अगर आप माल पीएम से मंगा रहे हैं, मतलब रेडीमेड माल मंगा रहे हैं, तो ये जितना भी सीएफटी निकला है इसको क्यूबिक मीटर में मंगा सकते हैं कन्वर्ट करके। बस 35.28 से डिवाइड करिए और वो क्यूबिक मीटर बन जाएगा। उतने क्यूबिक मीटर माल आप किसी वेंडर को बोल के वो गाड़ी में भर के ले आएगा, रेडीमेड माल मंगाएंगे। लेकिन अगर आपको माल अलग अलग मतलब खरीदना है फिर साइड बनवाना है तो उसके लिए आपको आगे की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो 1.54 से इस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो हमें माल मंगाना है उसकी क्वांटिटी आ जाएगी, ड्राई वॉल्यूम जो हमारा आ जाएगा कितनी क्वांटिटी थी हमारी, 503.85 × 1.54, ठीक है। तो ये हमारी आ जाएगी 775.92 CFP। ये हमारा टोटल माल लगेगा पानी डालने के बाद, ठीक है। ये ध्यान रखिए, ये बहुत टेक्निकल टर्म है, श्रिंकेज फैक्टर बोलते हैं हम। ये आपने देखा भी होगा, जैसे मैंने आपको बताया मिट्टी में जो पानी डालते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, बैठ जाती है मिट्टी, तो फिर हमें और मिट्टी डालनी पड़ती है अगर उस लेवल तक पे आना है। तो वही केस हमने यहाँ पे करा, ठीक है। तो हमने इसको 1.54 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ताकि हमारा ड्राई वॉल्यूम निकल के आ जाए जो हमें माल मंगवाना है। ये तो हमारा माल आ गया कि हमें इतना माल उस छत में बीम के साथ लगेगा। लेकिन अब हमें ये निकालना है कि हमें इसमें सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा, रोड कितनी लगेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये मान लेते हैं कि हम उस छत में M20 का ग्रेड इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। क्या इस्तेमाल कर रहे हैं ग्रेड, हम लोग उसमें हम लोग ग्रेड इस्तेमाल कर रहे हैं M20। तो जो इंजीनियर है उनको तो पता ही होगा M20 का जो रेशियो होता है वो होता है 1:1.5-3। इसका क्या मतलब हुआ, एक पार्ट जो है उसमें सीमेंट है उसका डेढ़ गुना, मतलब जितना सीमेंट डल रहा है उसका डेढ़ गुना उसमें कोर सैंड है बदरपुर, ठीक है, और जितना उसमें सीमेंट डल रहा है उसका तीन गुना उसमें एग्रीगेट है, रोडी है उसमें, ठीक है। तो हमने अगर ये निकाल लिया कि इसमें सीमेंट कितना लग रहा है तो उसको डेढ़ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सैंड आ जाएगा, उसको तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एग्रीगेट आ जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि इस वाले क्यूबिक फीट में, इतने क्यूबिक फीट में सीमेंट कितना लगेगा। तो उसको हमें कुछ नहीं करना है, इन तीनों को जोड़ देना है, 1 + 1.5 + 3, तो ये टोटल कितना आ जाएगा हमारा 5.5, ठीक है। मतलब कि इसमें 5.5 हिस्से हैं, 5.5 हिस्से में एक हिस्सा सीमेंट डला हुआ है, डेढ़ हिस्सा सैंड डला हुआ है और तीन हिस्सा रोडी डली हुई है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें 750 जो हमारी टोटल क्वांटिटी आई थी 775.92 CFP को हमें 5.5 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 5.5 से डिवाइड कर देंगे तो अपने आप ही वो सीमेंट का, क्योंकि सीमेंट एक ही पार्ट डला हुआ है, तो हमारा वो सीमेंट का CFT आ जाए, कितना सीमेंट लगना है। तो हमारा सीमेंट कितना लगना है,
सॉरी पसीना आ गया। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया सीमेंट कितने कितना लगेगा, सिंपल सा कुछ नहीं करना है, जितने हमारे टोटल पार्ट लग रहे हैं उस रेशियो में जितना माल लग रहा है उसका एक हिस्सा सीमेंट लगता है। तो टोटल वॉल्यूम में से हम उसको 5.5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वो सीमेंट का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो वो कितना आया, वो हमारा आ गया 141 फीट सीएफटी, 141 सीएफटी आ गया हमारा, वो 141 क्यूबिक फीट आ गया सीमेंट। ये क्या आ गया हमारा, सीमेंट आ गया। लेकिन सीमेंट जो हम मंगाते हैं वो बैग्स में मंगाते हैं, वो हम सीएफटी में नहीं मंगाते, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे बैग्स में। तो मैं आपको बता दूं, जो एक सीमेंट का बैग होता है या तो 50 किलो का होता है या फिर 1.25 सीएफटी का होता है, ठीक है, 1.25 के आसपास, 1.23 सीएफटी का होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना, कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ बैग्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बैग ऑफ सीमेंट हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ 141 को डिवाइड कर देंगे 1.23 से, जो कि हमारा आ जाएगा अप्रोक्स 115 बैग के आसपास, ठीक है। तो हम इसका मतलब क्या हुआ, 100 गज की छत पे हमको सीमेंट कितना मंगाना है, 115 बैग मंगाना है, ठीक है। अब इसका हमने सीमेंट का बैग निकाल लिया। अब हम दोबारा आते हैं कि हमें सैंड कितना मंगाना है, ठीक है। तो सैंड का जैसा मैंने बताया जितना सीमेंट लगता है उसका 1.5 गुना हमारा सैंड लगता है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड, सैंड कितना लगेगा, सीमेंट हमारा कितना लगा था, 141 सीएफटी। ये ध्यान रखिए, हमने ये वॉल्यूम पे बात कर रहे हैं तो हम सीएफटी बात करेंगे, क्योंकि सैंड जो हमारी सीएफटी में आती है बैग में नहीं आती है, ठीक है। तो सैंड हमारा कितना लगेगा, 141 का 1.5 गुना, तो जितना सीमेंट लग रहा है उसका 1.5 गुना सैंड लग रहा है। तो 141 इंटू 1.5 गुना, ठीक है, ये कितना आ गया, कैलकुलेट कर लीजिए कैलकुलेटर से, ये आ जाएगा आपका 212 सीएफटी, ठीक है। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ, हमें एग्रेट निकालना है, रोड़ी निकालनी है, तो वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी डॉक्टर वाली है, हूं तो मैं आर्किटेक्ट लेकिन राइटिंग मेरी डॉक्टर वाली है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट कितना हो जाएगा, जो भी हमारा सीमेंट का वॉल्यूम है उसका 3 गुना, क्योंकि इसका रेशियो कितना है, M20 का 1.5:3, जितना सीमेंट लग रहा है उसका 1.5 गुना सैंड लगेगा, उसका 3 गुना रोड़ी लगेगी। जो मजदूर होते हैं वो क्या करते हैं, केमिकल में वो जितना सीमेंट डालते हैं उसका 1.5 गुना उसमें भदरपुर डालते हैं और उसका 3 गुना जितना बाल्टी उसमें वो डाले उसकी 3 गुना बाल्टी उसमें वो रोड़ी डाल देंगे, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, 141 × 3 जो कि हमारा आ जाएगा 423 सीएफटी। तो देखा आपने कितना आसान है, अगर 100 गज की छत है तो उसमें हम ये बता सकते हैं कि हमारा उसमें 115 बैग सीमेंट लगेगा, और उसका 115 बैग सीमेंट के बैग लगेंगे, या अगर सीएफटी में बोलूं तो 141 सीएफटी लगेगी, ठीक है। इसी तरह सैंड का निकालना हो तो उसका 1.5 गुना कर दीजिए, 212 सीएफटी लगेगी 100 गज की छत में, ठीक है। और रोड़ी का निकालना तो वो लग जाएगी 423 सीएफटी, और 423 सीएफटी का मतलब हो गया कि एक गाड़ी डंपर आती है 400 फीट की आती है, मतलब कि 100 गज की छत में पूरा एक डंपर आपका रोड़ी लग जाएगी और आधा डंपर आपका बदरपुर लग जाएगा, ठीक है। ये आसान करने के लिए आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो पूरी एक रोड़ी जो एक डंपर होगा पूरा वो 400 फीट के आसपास का आता है, तो वो थोड़ा सा ऊपर करके लाएगा तो 450 फीट के आसपास भर के ले आएगा, जो कि आपकी वेस्टेज के साथ आपका पूरा एक जो 100 गज की छत होगी उसमें एक डंपर पूरा 400 फीट का, ठीक है, वेस्टेज लगाएंगे 450 फीट मंगाएंगे तो 450 फीट का पूरा एक डंपर आपका रोड़ी लगेगी, आधा डंपर आपका बदरपुर कोर साइड लगेगा और 115 बैग सीमेंट लगेंगे, ठीक है। इस तरह की आपकी कोई भी क्वेरी हो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप ये ध्यान रखिए, ये तो मैंने 100 गज का बताया, अगर आप सपोज करिए आपका ये 20-45 ना हो कि 30x30 होता, तो आप 30 फीट ऐसे सारी लेंथ को एक साथ जोड़ के आप बीम की आप इस तरह से बीम के वॉल्यूम निकाल सकते हैं, 30x30 × 0.41 करके उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। कोई भी प्रोडक्ट का साइज हो, बस आपको ये लेंथ को जोड़ के अपना वॉल्यूम निकाल के, जैसे मैंने बताया टोटल वॉल्यूम करके बहुत आसानी से आपको पहले वेट वॉल्यूम निकलता है उसको 1.5 गुना कर देना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको उस पर श्रिंकेज फैक्टर लगाना है, उसमें जैसे 1.5 गुना करेंगे वो उसका ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा, उतना माल आपको मंगाना होता है, ठीक है। तो इस तरह की कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट करिए या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज डालिए, मैं जरूर उसका अगर कुछ वीडियो बनाने लायक होगा तो मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। कॉल मत करिएगा, सिर्फ मैसेज करिए। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके, जो भी नया घर बना रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको आसानी हो जाए माल मंगाने के लिए। मजा आया।
और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।